बच्चों, क्या आपको पता है अक्षय तृतीया कब से और कैसे शुरू हुआ? ये बात है तीसरे आर्य के एंड में हुए हमारे फर्स्ट तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान की। एक दिन उन्होंने किसानों को खेती करने का काम सिखाया। बैल खेती करते करते सारा अनाज खा जाते थे। किसानों को समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने भगवान से शिकायत की। तब भगवान ने उन्हें बैल के मुंह पर जाली बांधकर खेती करने की सलाह दी। खेती पूर्ण होते ही जब बैल को खाना दिया गया तो मुंह पर जाली होने के कारण बैल खा नहीं सकते थे। किसानों ने भगवान से कहा कि बैल नाराज हो गए हैं, इसलिए 13 घंटे होने के बावजूद खाना नहीं खा रहे हैं। भगवान ने पूछा, क्या आपने जाली निकाली? किसानों ने कहा, आपने ये तो बताया ही नहीं। उस समय के लोग भोले थे, जितना कहा जाता उतना ही करते थे। भगवान की एक भूल के कारण 3 ज्ञान के धारक चरम शरीरी, मतलब जिनका ये अंतिम भव था और जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले थे, उसी भव में बांधे हुए कर्म उदय में आए। ये कर्म कैसे उदय में आए आपको पता है बच्चों? प्रभु ने दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक मौन साधना की। दीक्षा ली तभी से बांधे हुए अंतराय कर्म उदय में आए। दीक्षा के बाद जब वह पहली गोचरी लेने निकले, तब नगरजनों को पता ही नहीं था कि संयमी आत्मा को दीक्षा के पश्चात किस चीज की आवश्यकता हो सकती है। और वह सब तो प्रभु को दिव्य आभूषण, दिव्य पुष्पमाला, दिव्य वस्त्र आदि बहराने लगे। सारे नगरजन दुविधा में थे कि प्रभु को किस वस्तु की आवश्यकता हो सकती है, पर प्रभु तो मौन धारण कर आगे विचरण यानी कि चलने लगे। ऐसे करते करते प्रभु के 400 दिन, जी हाँ बच्चों, 400 दिन उपवास में बीत गए। प्रभु को गोचरी प्राप्त नहीं हुई। विहार करते करते प्रभु हस्तिनापुर पधारे। प्रभु के प्रपौत्र मतलब ग्रैंडसन श्रेयांश कुमार वहां के राजा थे और एक किसान ने श्रेयांश कुमार को गन्ने के रस से भरे 108 घड़े भेंट किए थे। श्रेयांश कुमार ने अक्षय तृतीया के दिन प्रभु के दर्शन किए। 9 भव की प्रीति स्मरण में आई और जाति स्मरण ज्ञान के कारण उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रभु को कैसे और क्या पहराना चाहिए। प्रभु को विनती की, आप अवश्य घर पधारे और इक्षुरस। किड्स, इक्षुरस का मतलब क्या है आपको पता है? इक्षुरस मीन्स शुगर केन जूस। और इक्षुरस से पारणा कर हमें फॉर्चुनेट करे। यह सुनते ही प्रभु ने अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और इसमें आहार ग्रहण किया। तुरंत ही देवों ने पुष्प वृष्टि की। आकाश मंडल में देव दुधुम्बी बजने लगी, अहोदानम अहोदानम, और महादानम के नाद से सारा विश्व गूंज उठा। बच्चों, जिस दिन प्रभु का पारणा हुआ उस दिन वैशाख सूद तृतीया थी, और जहां प्रभु का पारणा होता है वहां सभी वस्तु अक्षय हो जाती है, यानी कि जो कभी नष्ट ना हो उसे अक्षय कहते हैं। अतः उस दान के प्रभाव से यह दिवस अक्षय तृतीया के नाम से माना जाता है। इसलिए आज तक भारत भूमि में हम इस दिवस को मंगल और शुभ मानते हैं। तब से वर्षी तप, वर्षी मीन्स 1 year, एंड तप मीन्स पेनांस,
तो तब से वर्षी तप की परंपरा शुरू हुई है। इस पंचम आरे में हमसे इतने उपवास पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इसलिए हम अल्टरनेट उपवास करके वर्षी तप की आराधना करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन पारणा करते हैं। इस कहानी से हम भी इंस्पिरेशन ले कि कभी न कभी हम भी भगवान जैसे महान तपस्वी बने और साथ मिलकर यह प्रार्थना करें कि हमें भी श्रेयांश कुमार जैसे प्रभु को पारणा कराने का, जी हाँ बच्चों, प्रभु को पारणा कराने का सुअवसर प्राप्त हो।